यज्ञं वष्टु धियावसु ओ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहुता सत्सिवरिषि ओ शांति शांति शांति। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे योग क्या है, महर्षि पतंजलि की दृष्टि में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्। जब चित्त में कोई वृत्ति नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं, चित्त का मतलब है यहाँ पर बुद्धि, बुद्धि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था। आत्मा का साक्षात्कार हमें कैसे हो, तो आत्मा का साक्षात्कार बुद्धि से ही होता है। जैसे हमें अपने चेहरे का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, अपने फेस का साक्षात्कार कैसे होता है, हमें शीशे में होता है। हम डायरेक्ट अपने मुंह को नहीं देख सकते। हम कितने भी कोई महान आत्मा क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा योगी हो, विद्वान हो, धर्मात्मा हो, धनवान हो, लेकिन कोई भी अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता है लाइव, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। कोई भी अपनी आंख को नहीं देख सकता है। आंख सबको देखती, आंख से ही सब कुछ दिखता है, लेकिन आंख आंख को नहीं देख सकती। आत्मा से ही सब कुछ हो रहा है, आत्मा ही सब जान रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है। सब कर्म आत्मा से ही होते हैं। आत्मा निकल गया तो ये आंखें देखती नहीं है, वाणी बोलती नहीं है, हाथ पैर कुछ भी नहीं करते, लेकिन आत्मा आत्मा को नहीं देख सकता है। ऐसी ही व्यवस्था है। तो फिर कैसे देखें उसको, अपने स्वरूप को हम कैसे देखें, बुद्धि के माध्यम से। जैसे हम अपने फिजिकल फेस को आईने में देख सकते हैं, शीशे में देख सकते हैं। तो शीशे में हमें कौन सी अपनी सूरत दिखाई देगी, जैसी है वैसी दिखाई देगी। अगर यहाँ गाल के ऊपर किसी ने तिरंगा लगा लिया तो शीशे में तिरंगा सहित दिखाई देगा। अगर किसी ने बिंदी लगाई तो बिंदी सहित चेहरा दिखाई देगा। कुछ भी हमने लगाया चेहरे के ऊपर तो वैसा ही उसमें दिखाई देगा। कोई मास्क लगा लिया तो मास्क दिखाई देगा, मास्क हटा दिया तो रियल दिखाई देगा। शीशे में वो दिखाई देगा जो शीशे के सामने है, और शीशे के सामने से सब कुछ हटा दिया तब क्या दिखाई देगा शीशे में, तब उसका अपना स्वरूप है शीशे का। और अपना स्वरूप क्या है, उसकी कोई आकृति नहीं है, वो अपने स्वरूप में रहता है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि हमें दिखाती रहती है कि मैं एक पुरुष हूँ, हमें एहसास रहता है ना, मैं एक महिला हूँ, मैं एक आचार्य हूँ, मैं एक शिष्य हूँ, मैं एक धनवान हूँ, मैं युवा हूँ, मैं एज्ड हूँ, मैं बालक हूँ। तो ये सारी क्या हैं, हमारी वृत्ति हैं, ये चित्त की वृत्तियाँ हैं। ये वास्तव में मैं इन में से कुछ भी नहीं हूँ। इन सब को हटा दें तो मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। फिर
ये सारी वृत्तियां हैं, ये हमारे अहंकार की वृत्तियां हैं, जो हमने बहुत सारी ऐसी वृत्ति बना रखी हैं। अपना एक स्टेटस बना रखा है हमने, अपना एक मैं उस कुल खानदान में पैदा हुआ, मैं उस गुरु का शिष्य हूँ, उस माता पिता का बालक हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो इन्होंने कहा कि इस इन सब को हटा दो। तो ये हटाना पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है? सब हटा देंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे फिर? पॉसिबल है हटाना? सारा लोक व्यवहार कैसे चलाएंगे फिर? तो लोक व्यवहार चलाने के लिए यदि आप उसको यूज करें तो भले ही करें, कोई बात नहीं है, लेकिन हटाना तो संभव है। दिक्कत यूज करने में नहीं है, दिक्कत यह है कि हमने वो मान लिया, हम वैसा ही अपना वो मानते हैं अस्तित्व और व्यक्तित्व, तो ये दिक्कत आ जाती है। बाहर की चीजों को तो हम अपना स्वरूप नहीं मानते। जैसे मैं माइक का यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं माइक हूँ ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। माइक अलग है, मैं अलग हूँ। मैं पुस्तक का यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं पुस्तक हूँ ऐसे तो नहीं मानते हैं ना। कपड़ों का यूज कर रहे हैं, पर हम कपड़े नहीं है, ये पक्का पता है। तो बाहर की चीजों का तो पता है, पर शरीर मैं नहीं हूं, यहाँ भूल हो जाती है हमारे से। हम शरीर को, विचार को, इंद्रियों को, मन को, इन्हीं को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही हम नहीं हैं। और इसका पोल पट्टी कब खुलती है? जिस दिन मृत्यु आती है। तो शरीर अलग, मैं अलग, दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन उस दिन दूसरे देखते हैं, वो व्यक्ति तो नहीं देख पाता है। और दूसरे कहते हैं कि इस शरीर में शरीर और आत्मा अलग थे, मेरे वाले में तो एक ही है। तो इसलिए वो दूसरे के लिए तो पता चल जाता है, अपने लिए तब भी पता नहीं चलता है। तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थम, रात को हम सब अलग हो ही जाते हैं शरीर से, मन से। तो ये अलग होना तो पॉसिबल है, लेकिन हो कैसे? योग के माध्यम से, वो ही आज बताएंगे। उसका अभ्यास करना होता है। हम अलग हैं, इसका भी हमने अभ्यास किया है। मैं शरीर हूं, बुद्धि हूं, मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, पुरुष हूं, महिला, इसका भी हमने अभ्यास के प्रैक्टिस की है। जब बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ ना, तो बेबी को नहीं पता होता कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, कि मैं धनवान में माँ बाप का हूं। कि आप एक किसी राष्ट्रपति के बच्चे को छोड़ दो और एक गरीब वाले बच्चे को, दोनों को साथ साथ छोड़ दो, वो वही चेष्टा करेंगे जो एक फ्रेंडली बच्चे करते हैं। उसको बिल्कुल पता नहीं होगा कि मैं एक राष्ट्रपति का बच्चा हूं। इसका हमने अभ्यास करवा दिया बार बार, या दूसरों ने करवा दिया हमारे को, या हमने खुद कर लिया, और बस हम वैसे बनते चले गए, हमने वैसे मान लिया। मैं इतनी जमीन का मालिक हूँ, इतने ऊंचे पद का मालिक हूँ, और फिर मृत्यु आकर के एक धक्का मारती है, बोल तो किसी का मालिक नहीं है, चल। उस सारा भ्रम टूट जाता है हमारा। तो जब हम योग का आश्रय लेकर के, ज्ञान का आश्रय लेकर के इन वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, जैसे कि हम रात को करते हैं, वो तो भगवान की व्यवस्था से करते हैं, पर जगते हुए भी ऐसा करना संभव है। योगी जन करते हैं ऐसे, और वो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। तो उसके लिए ये सूत्र कह रहा है, तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम्। वृत्ति सारूप्यम इतर तरह, अपने स्वरूप में नहीं रहेगा तो फिर जैसी वृत्ति वैसा इसका व्यक्तित्व, जैसा विचार वैसा संसार, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, जैसा हम संसार के बारे में सोचते हैं वैसा संसार हमारे लिए बन जाता है। हमने विचार किया कि संसार में सब धोखेबाज हैं, सब दुख देने वाले हैं, तो आपको हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाएंगे। फिर आप कहोगे कि मैंने तो पहले सोचा था कि आजकल जमाना ऐसा है, कौन किसकी सहायता करता है, सब चालाक लोग हैं आजकल, सब धोखेबाज हैं। और स्वामी जी ने कहा आपको कि वहां जाकर के शिविर लगाओ, दान लेकर के आओ, आप कहेंगे जी आजकल सुनता कौन है। तो आपको वो जैसा आपने सोचा ना, वही रिस्पॉन्स मिलेगा। और यदि आप ये सोच के चले कि आज भी धरती के ऊपर भले लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि कम से कम मैं एक तो भला हूं ना, अपने आप को तो सब भला ही कहते हैं,
तो जब मैं भला हूँ तो मेरे जैसे और भी तो हो सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। हम जाएंगे और उन लोगों को अपनी बात बताएंगे, वो हमारी बात को सुनेंगे। तो फिर जब हम जाएंगे तो वो ही रिस्पॉन्स मिलता है, लोग सुनते हैं हमारी बात को, तो अच्छे काम होते ही हैं ना। आज भी जितने संसार में मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये जितने भी चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं? दान के बल पे ही तो चल रहे हैं ना। तो कोई तो दान देता ही है ना, तो सब बुरे लोग नहीं हैं। तो जैसा हमारा विचार वैसा हमारा संसार, जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसको कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा वैसा हमारा अपना अस्तित्व और संसार का अस्तित्व हमें दिखाई देगा। तो इसलिए वृत्ति रखनी भी है, तो वृत्ति कैसी रखनी है? अक्लिष्ट वृत्ति ऐसी रखो, विचार ऐसा रखो जो अपने को तंग ना करे, अपने को परेशान ना करे, सुख देने वाला हो, मेरे लिए भी सुखदायी हो, दूसरे के लिए भी सुखदायी हो। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। पांच प्रकार के फंक्शन है मन के, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो इनमें कुछ कष्ट देने वाले हैं, कुछ कष्ट नहीं देने वाले हैं। तो इसलिए कहा वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। प्रमाण फिर तीन प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, शब्द प्रमाण। और विपर्य किसको कहते हैं? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान, उल्टा पुल्टा दिखना, वो भी विचार करता है हमारा मन। और हमारा मन कैसे विचार उठाता है? विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। केवल शब्द ज्ञान का अनुकरण करता है हमारा माइंड, वस्तु नहीं होती है। तो कई बार ऐसे बस शब्द शब्द होते हैं वो केवल, और हम उन भावनाओं को उठाते रहते हैं और वो रियलिटी नहीं होती है। तो ये भी हमारे मन का फंक्शन है, और निद्रा भी हमारे मन का फंक्शन है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। जब आप ध्यान के लिए बैठे, आपने सब विषयों को हटा दिया, आपने कहा कि अब मैं कुछ भी विचार नहीं करूँगा, तो फिर आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि प्रत्यय मतलब ज्ञान, अभाव प्रत्यय आलंबना, अभाव ज्ञान का आलंबन करने वाली जो वृत्ति है, सारे विषयों का ज्ञान का जहां अभाव हो गया, उस वृत्ति का नाम है निद्रा। वो भी मन की ही एक वृत्ति है निद्रा भी। और फिर लास्ट है स्मृति, अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। जो कभी हमने कहीं देखा, सुना, अनुभव किया, उनकी पुनः स्मृति आ जाना, उनको फिर से चित्त उठा लेता है। तो हम इन पांचों में से किसी ना किसी एक वृत्ति में रहते हैं, जागृत अवस्था में, और जब सो जाते हैं तब दो वृत्ति में रहते हैं, या तो गाढ़ निद्रा में या तो स्मृति वृत्ति में, तब स्वप्न आते हैं, स्मृति वृत्ति वहां भी उठा लेते हैं हम। तो ये अपने मन को हमें समझनी, ये बात हो रही है सारी कॉन्शियस माइंड की, चेतन मन की बात की जा रही है। ये पांच वृत्तियां चेतन मन में चलती रहती हैं। और फिर एक माइंड का और दूसरा पार्ट है अवचेतन। अवचेतन मन में आपने एक बार कोई चीज डाल दी ना, तो फिर वो आपसे जरूर करवाएगा, फिर आप उस काम को किए बिना रह नहीं सकते। जैसे आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा? उस विचार को बार बार सोचो, या तो अवचेतन मन में घुसाने के लिए क्या करना होता है? अवचेतन मन में घुसाने के लिए या तो सुबह शाम, जैसे आप सुबह उठे तो आपका ये जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, ये अभी पूरा एक्टिव नहीं हुआ, अभी अभी उठे हैं आप, तो उठते ही जो आप विचार उठाएंगे तो बहुत जल्दी से वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा। और एक रात को सोते समय, जब आप पूरे सोए भी नहीं हैं और पूरे जग भी नहीं रहे हैं, तंद्रा अवस्था है, अभी सोने ही वाले, उस समय आप जो विचार करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में तो सुबह उठते ही मंत्र पाठ करने का विधान है, पांच मंत्र बोले जाते हैं सुबह उठते ही, और रात को सोते हुए भी
छह मंत्र बोलने का विधान है, शिव संकल्प मंत्र। सुबह उठते ही उत्साह वाले मंत्र बोले जाते हैं कि हे भगवान, प्रातर अग्निम, प्रातर इंद्रम हवामहे, प्रातर मित्रा वरुणा, प्रातर अश्विना, प्रातर भगम पूषणम, ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोमम उतरुद्रम हुए मैं। जो आपको एक पुस्तक दी है ना, इसके अंत में देख लो, प्रातःकालीन पांच मंत्र लास्ट में दिए हुए हैं ज्ञानामृत में, 141 पृष्ठ पे हैं, देख लीजिए आप निकाल के। तो सुबह सुबह उठते ही ये पांच मंत्र जिसने बोल लिए, वो व्यक्ति जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, और वो व्यक्ति जीवन में जरूर बड़ी उपलब्धियां करेगा। क्योंकि सुबह जब तक आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं हुआ, तब तक आपने उसमें उत्साह के बीज बो दिए, उत्साह की भावनाएं, ऐसे विचार उसमें डाल दिए। और एक रात को सोते समय यहाँ सोने वाले मंत्र भी होंगे रात्रिकालीन, तन्मे मने शिव संकल्पमस्तु, यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवं तद सुप्तस्य तथैवैति, दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मने शिव संकल्पमस्तु। तो मैं ये बता रही थी कि हमें अपने मन को यदि चेंज करना है या अपने जीवन को चेंज करना है, तो हमारे रोज की दिनचर्या में सुबह उठते ही पहला विचार और लास्ट रात को सोते समय लास्ट विचार, ये दो विचार बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हमारा जीवन का बेस बनता है। सुबह उठते ही आपने सबसे पहले क्या सोचा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस अभी पूरा एक्टिव नहीं हुआ था। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में कोई विचार चला गया ना, तो वो जरूर आपसे करवाता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, वो 90-95% शक्तिशाली है इसकी बजाय जो हम इस समय यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही रात को सोते समय, रात को सोते समय क्या कहा जाता है, ये जो छह मंत्र है ना, उनकी एक टैगलाइन है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, छह मंत्रों में ये लाइन आती है, यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद सुप्तस्य तथैवैति, दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। छह मंत्रों में यही आता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन है, जो यज्जाग्रतो दूरम उदयति, जागते हुए दूर दूर जाता रहता है, वो सोते हुए भी अंदर की तरफ गति करे, सबकॉन्शियस माइंड की तरफ गति करे वो, और वो कैसा हो, शिव संकल्प से युक्त हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में यदि बुरा संकल्प डाल दिया तो जीवन बुरा होने ही वाला है, और यदि शिव संकल्प डाल दिया, अच्छा संकल्प डाल दिया, तो वो आपसे वो संकल्प पूरा करवाएगा जरूर। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, बोल जी रात को सोते समय यदि हम अच्छा विचार करें तो इससे, और काम कुछ भी ना करें तो क्या इससे हमारा जीवन महान बन जाएगा क्या? नहीं, यदि आपने सोते समय अच्छा संकल्प मन में डाल दिया तो वो मन आपको खाली रहने ही नहीं देगा, ये उसकी खासियत है, उसकी शक्ति है। ये सबकॉन्शियस माइंड में जो घुस गया ना एक बार, व्यक्ति सारे विरोध सहन करके भी उस काम को करेगा। तो एक तो ये तरीका है कि सुबह शाम अपने मन में कैसे विचार डालें, हम पवित्र विचार डालें, ऊंचे विचार डालें, छोटे विचार ना डालें, विचार तो मान कर ही सकते हैं ना। और दूसरा ये है कि जो आप बनना चाहते हैं वो बार बार अपने दिमाग को सुनाएं, जो बार बार एक हंटिंग की जाती है ना माइंड की, तो वैसा भी बन जाए, वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जब नेगेटिव बात बार 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 सोचेंगे तो जीवन कैसा हो जाएगा, डिप्रेशन से भरा हुआ। और बार बार उत्साह की बात सोचेंगे, बार बार विजयी बनने की बात सोचेंगे, बार बार महान बनने की बात सोचेंगे, तो जीवन वैसा हो ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने हमारे को बताई, महर्षि पतंजलि ने, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। और फिर इनकी परिभाषा बता दी,
प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, अभाव प्रत्यालंबन वृत्तिर निद्रा, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति ही। तो अब इन सब को रोकना कैसे है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। व्यक्ति कहता है जी मैं नहीं चाहता नेगेटिव विचार उठाना, आते रहते हैं, रोकूं कैसे? कौन चाहता है डिप्रेशन में जाना? कौन चाहता है हताश उदास होना? कौन चाहता है मेरा जीवन छोटा बने? ये चाहते नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, ये छोटे विचार जाते नहीं है और बड़े विचार आते नहीं है, रोकें कैसे इनको? तो उसका उपाय बताया इन्होंने, क्या बताया? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनको रोक सकते हैं। बोलिए अभ्यास क्या बला है? अभ्यास मतलब क्या? तो अगले सूत्र में बताया, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। अभ्यास और वैराग्य के बारे में आप इतना समझ लें कि जैसे कोई खेत है, मान लो हमारा जीवन, हमारा शरीर खेत है एक, तो खेत में हम बीज तो बोते हैं लेकिन खरपतवार अपने आप उग जाते हैं, उसको बोते थोड़े ही हम। तो वैराग्य है खरपतवार को उखाड़ना और अभ्यास है उस फसल में पानी देना। यदि हमें अच्छी फसल चाहिए तो दो काम करने पड़ेंगे, खरपतवार को उखाड़ना पड़ेगा और जो गेहूं का पौधा है उसमें पानी देना पड़ेगा। पानी नहीं देंगे तो भी सूख जाएगा, और पानी पानी तो देते रहे लेकिन खरपतवार को नहीं उखाड़ा तो गेहूं नीचे दब जाएंगे, खरपतवार ऊपर आ जाएगा। आपने देखा कभी ऐसी फसल, गेहूं नीचे बथुआ ऊपर, खरथुआ ऊपर, खूब सारा गेहूं दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो हमने पहले उखाड़ा नहीं और अब वो हो गया बड़ा, अब उसने गेहूं को ही दबा दिया। तो ये दोनों साथ साथ होने चाहिए। वैराग्य का मतलब है अनावश्यक वस्तुओं को, विचारों को हटाना, ये वैराग्य है। राग क्या करता है? खींच खींच के लाता है वस्तुओं को, विचारों को, सारा कूड़ा कचरा बाहर से इकट्ठा करके अपने अंदर डालता है राग, ये राग की महिमा है। वैराग्य क्या करता है? सब अनावश्यक को हटाता है, जिसके लिए स्वामी जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या इसके बिना मेरा जीवन चल सकता है? क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? चल सकता है तो फिर वो आए तो उसका निषेध नहीं है, जाए तो उसके लिए कोई गम नहीं है। कोई चीज मिल रही है तो उसको फेंकेंगे नहीं, नहीं मिल रही है तो उसके लिए तड़फेंगे नहीं। इसका नाम वैराग्य है, उसमें राग नहीं होना। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि अपने पास भगवान ने जो भेजा है वो सब घर से निकाल निकाल के सामान सड़क पे फेंको, क्योंकि अब मुझे वैराग्य का दिखाना है कि मुझे वैराग्य हो गया तो इसलिए कपड़े भी निकाल के फेंको कबर्ड से, और किचन में से बर्तन भी उठा के बाहर फेंको, ड्राइंग रूम में से सीनरी फोटो जो लगा रखी थी वो भी बाहर फेंको। बोले क्या हो गया आपको? बोले वैराग्य आ गया। वैराग्य आ गया तो चीजों को रहने दो वहीं पर ही। राग या वैराग्य मन के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। कोई बाहर से वस्तुएं आ रही हैं तो उनको भगवान की ही एक देन समझ के उनको संभाल के रखो, अच्छे से रखो, और ज़्यादा अच्छे से रखो, क्योंकि अपनी मान रखी थी तब तो टूट फूट जाए तो कोई बात नहीं, पर जब भगवान की हैं तो संभाल के रखना पड़ेगा। मैं आपको कोई पुस्तक दूं कि ये मैं ले लूंगी आपसे एक महीने के बाद, तो यदि आप समझदार व्यक्ति हैं तो उस पुस्तक को कैसे रखेंगे? संभाल। भाई मेरी वाली कहीं मुड़ जाए, पेज टूट जाए तो कोई बात नहीं, दीदी वाली नहीं मुड़नी चाहिए, और हो सके तो उसके ऊपर कवर और चढ़ा देते हैं ताकि खुश हो जाएंगी। तो जब हमने भगवान का मान लिया तो हम चीजों को फेंकेंगे नहीं, हम संबंधों से दूर नहीं भागेंगे, बल्कि संबंधों को हम और सुंदर ढंग से निभा पाएंगे, ये वैराग्य है। नहीं तो हमने वैराग्य का अर्थ उल्टा समझ रखा है। बोल जी फिर घर में कैसे रहें, पति पत्नी को कैसे हम संबंधों को निभाएं, यदि वैराग्य हो गया तो जिएंगे कैसे? और सुंदर ढंग से जिएंगे आप।
जिस पति को आज तक आपने अपनी एक प्रॉपर्टी मान रखी थी, तो उससे झगड़ा भी कर लेते थे, बखेड़ा भी कर लेते थे, अब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो भगवान की प्रॉपर्टी। अब कैसे डील करोगे? जैसे भगवान की किसी वस्तु से करना चाहिए, तो और अच्छे से करो। आज तक पत्नी को अपना एकाधिकार मान रखा था, अपने संपत्ति मान रखी थी, आज वो आपकी नहीं है, वो भगवान की है, तो अब कैसा व्यवहार करेंगे? अब तो और ज्यादा अच्छा करेंगे। दूसरों की माँ बहन बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? शालीनता पूर्वक करते हैं। और अपने वाली के साथ बाहर जाएंगे तो महिला सशक्तिकरण के भाषण देते हैं, और घर में जाके अपने वाली महिला को तंग करते हैं क्योंकि वो मेरी है, और बाहर वालियों के साथ ऐसा करें तो पत्थर उठा के मारेगी। अपनी वाली के साथ भी ऐसे करो, वो आपकी नहीं है, वो भगवान की प्रॉपर्टी है। इसका नाम वैराग्य है। तो वैराग्य क्या है? अनावश्यक विचारों को निकालना, अनावश्यक वस्तुओं को निकालना, ये पजेसिवनेस का भाव जो है ये अनावश्यक है, ये आवश्यक नहीं है। और सेवा शुश्रूषा का भाव आवश्यक है, संभाल के रखने का भाव आवश्यक है, उसको तो रखो। और अधिकार जमाने का भाव अनावश्यक है, उसको हटाओ, यही वैराग्य है। और अभ्यास क्या है? अभ्यास है उसको पानी देना। पानी देना माने बढ़ोतरी होगी, जो हमें चाहिए उसको हम बढ़ाएं। हमें प्रेम चाहिए, हमें करुणा चाहिए, हमें शांति चाहिए चित्त की, वही सूत्र में कहा तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। अभ्यास क्या है? उस स्थिति में ज्यादा ज्यादा समय रहने का प्रयत्न करना, यही अभ्यास है। आपने कभी अपने चित्त में आप ऐसे बैठ गए और आपने ये अभ्यास किया, आपने ये अपनी स्थिति बनाई कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ, ये सब भगवान का है और मैं भी भगवान का ही हूँ, तो आपको इतना सोचने मात्र से एक शांति मिलेगी। अब ये जो शांति की स्थिति है, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है कुछ भी। तो इसलिए कहा तत्र स्थितौ यत्न, यत्न करना उसके लिए। आप कोई भी जॉब करेंगे, आप कोई बिजनेस करेंगे, आप कोई दुकान खोलेंगे, आप कुछ भी करेंगे जीवन में, लेकिन मन का सहयोग तो सब कामों में चाहिए। आप गृहिणी बनेंगे, आप कोई सर्विस करेंगे, आप कोई बिजनेस करेंगे, आप समाज सेवा करेंगे, आप अपने घर की सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ तो करना ही होता है व्यक्ति को, लेकिन कुछ भी करते हुए मन तो चाहिए ना। तो मन यदि शांत है, मन यदि प्रसन्न है, तो कुछ भी काम करने में आनंद आ जाएगा। फिर जिसको लोग बोलते हैं भाई मजा आ गया जीने में, तो वो तो मतलब अपने ही अंदर है, और उसके लिए हमें एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर ऐसे नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। तो थोड़ी थोड़ी देर में कभी ना कभी तो व्यक्ति का मन प्रसन्न होता ही है, बस उस प्रसन्नता को, ये आज कैसे प्रसन्न हुआ उसको पकड़ना है।